अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद और ये है अली। आज हम आपको दिखाने लगे हैं एच पी लेज़र जेट प्रो 400 का टोनर कैसे रिफिल करते हैं ATA। सबसे पहले आपको ये चार औज़ार सबसे मेन चाहिए, फोर हेड, एक सिलाई आपको चाहिए ये वाली ब्रीक माइनस पेचकस, और ये एक होता है कटर प्लास। आपको ये चार टूल चाहिए ये टोनर रिफिल करने के लिए। सबसे पहले आपने नीचे कोई पेपर या कोई आपने चीज़ ले लेनी है जिससे आप इंक नीचे ना गिरे आपकी टेबल पे या किसी और चीज़ पे। सबसे पहले आपने ये पिन निकालनी है इसकी। एक पिन ये बाहर आ गई और दूसरी तरफ से ये पिन है इसकी। थोड़ा सा फ्लैट माइनस पेचकस से आपने ऊपर करना, दूसरी पिन ये बाहर आ गई और अभी इसके हो गए हैं दो हिस्से टोनर। अब दो इसमें सीम हो गया, ये होता है ड्रम यूनिट और वो होता है इंक यूनिट। अब आपने इसमें इंक फिल करनी है। सबसे पहले आपने ये दो इसके पेच हैं ये आपने खोलने हैं। ये इंतहाई इजी तरीका है इसका टोनर रिफिल करने का। आप घर में भी इसको टोनर को रिफिल कर सकते हैं। आपने ये साइड अप जस्ट साइड पे उतार लेनी है इसे, और ये इसका ढक्कन लगा हुआ जिससे आपने इंक फिल करनी है। इसे आपने आराम से उतारना, ज़्यादा चीज़ें ये लग जाए फ्लैट पेज पर यह ढक्कन इसका फट जाता है। यह ढक्कन इसका ओपन हो गया, ये इंक है। आपने इस तरह इंक उठानी है और इसके अंदर फिल कर देनी है। ये जब ये आपकी मुकम्मल फिल हो जाए आपने ये पैकेट साइड पे कर देना है, तो वापस इसको ढक्कन लगा के इसकी फिटिंग करनी है। ये देखें, और आपने ये हाथ एक इसके ऊपर रखना है मैग्नेट पे, ताकि आप इंक इसके अंदर से लीकेज ना हो। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारा चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। अभी ये हमने किया ATA रिफिल 05, ये भी सेम मेथड है, सेम टोनर है, और इंशाल्लाह दूसरे टोनर भी हम आपको बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाएंगे किस तरह फिल करते हैं। अभी आपको ये फिलिंग वगैरह का सारा मेथड समझाया आपने। अगर कोई आपको और भी चाहिए होगा, कोई तरीकाकार आपके पास कोई इशू आ रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हो गया, आपका टोनर मुकम्मल हो गया सीए का। ओके।